ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अराजक तत्वों द्वारा आए दिन आग लगाकर ताजमहल की खूबसूरती में दाग लगाने का काम किया जा रहा है। बुधवार रात को पुरानी मंडी से नीम तराहे के बीच आग लगा दी गई। ताज सुरक्षा की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना पर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची। ताजमहल के निकट आए दिन कूड़े में आग लगाकर ताजमहल को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। ताजमहल की खूबसूरती को बचाने के लिए ताज के आसपास के क्षेत्र में गोबर के उपले तक जलाने पर प्रतिबंध है। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते ताजमहल के पास ही आए दिन कूड़े में आग लगाई जा रही है। अराजक तत्वों द्वारा लगाई जा रही आग के धुएं से ताजमहल को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसा ही मामला बुधवार देर रात को देखने को मिला। पुरानी मंडी चौराहे से नीम ट्री की ओर जाने वाले रास्ते पर अराजक तत्वों द्वारा फिर से एक बार आग लगा दी गई। इससे पहले भी पूर्व में दशहरा घाट के पास कूड़े के ढेर में आग लगाकर ताज को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया गया था। विश्व धरोहर के पास इस तरह की लापरवाही हर रोज देखने को मिलती है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ कागजों में आदेश जारी तो हो जाते हैं, लेकिन धरातल पर यह आदेश धराशाही दिखाई देते हैं। आग लगने की सूचना पर पहुंची ताज सुरक्षा पुलिस ने आग पर काबू पाया। विश्व इमारत होने के बावजूद ताज के साए में आए दिन आग लगा दी जाती है। सूचना होने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंचती। इससे पहले सोमवार को ताजमहल के निकट दशहरा घाट के पास अज्ञात लोगों के द्वारा कूड़े में आग लगा दी गई थी। आपको बता दें कि आगरा में TTZ क्षेत्र में गोबर के उपले जलाने पर 1.5 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। बीते माह हुई बैठक में अधिकारी कूड़ा जलाने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दे चुके हैं। जिम्मेदारों द्वारा कभी कोई कार्यवाही न करने के चलते लोगों के हौसले बुलंद हैं और वो आए दिन यह हरकत करते रहते हैं। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।